नमस्कार, मैं श्वेता अपने चैनल बोलो क्या बनाओ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मलाईदार सॉफ्ट प्लेन ट्रायंगल पराठा। तो मेरे साथ बनाएं, सीखें और सिखाएं, और अगर आपको पसंद आए तो मेरा हौसला बढ़ाएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले पानी के साथ में आटे का एक सॉफ्ट डो बना लें अच्छे से गूंद के, और उस आटे से एक मीडियम साइज़ पेड़ा बना लें। ये देखिए, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा घी पराठे में था वो उस पेड़े से ले लिया है। और ये देखिए, इसको थोड़ा सा फ्लैट बेला, उसके बाद घी लगा दिया और उसको फिर से फोल्ड करके एक साइड पे घी लगा के और फिर से फोल्ड किया, और ये हमारा बन गया ट्रायंगल। और अब इसको अच्छे से सूखे आटे में लगा लगा के इसको बेल लेंगे, ऐसे ही रोल करते जाएंगे। ये देखिए, बढ़िया शेप आया है पराठे का। ये देखिए, ये देखिए, और किनारों पे मोटा ना रखें, अच्छे से उनको बराबर बेल लें। और ये अभी गरम गरम तवे पे डालें। डालने के बाद फ्लेम तेज ही रहनी चाहिए और उसको जल्दी से पलटना है, थोड़ा सा उस पर सिक पाए और वो पलट दो, बहुत ज़्यादा नहीं, तवे पे फर्स्ट टाइम ही ज़्यादा सेकना नहीं है। तो उसको पलट दिया। पलटने के बाद मैंने लगाया है इस पर घी या ऑयल, आप जो प्रेफर करें वो लगा सकते हैं। और मैंने फिर से पलटा और फिर से घी, घी लगाने से पहले उसको ज़्यादा सिकने नहीं देना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना है, ज़्यादा सिकने नहीं देना है। और ये देखिए, तेज़ी आँच, फ्लेम मेरी तेज़ी है और उसी पे मैंने इसको सेका है। एक फ्लैट करछी लेके मैंने उसको दबाते गए हैं, ठीक है, साइड साइड से, जहाँ पे वो बराबर से सिक जाए। और ये देखिए, ये देखिए, फूला फूला पराठा आपका बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये सारा काम मैंने तेज फ्लेम पे ही किया है, धीमे फ्लेम पे पराठा अगर आप सेकोगे धीमे धीमे तो वो क्रंची बन जाता है और थोड़ी देर में खाने लायक नहीं बचता, वो बहुत टाइट हो जाता है। तो आपको तुरंत का तुरंत अगर क्रंची किसी को पसंद है तो वो उस तरीके से बना के खा सकते हैं। बाकी अगर सॉफ्ट पराठे खाने हैं तो इस तरीके से बनाइए और अपने परिवार में खिलाइए और वाह वाह ही पाइए। ये देखिए, ये देखिए, कितने अच्छे पराठे तैयार हुए, और इनको किसी भी सब्जी के साथ में आप सर्व कर सकते हैं। ये मैंने बना के रखे हुए थे कुछ, तो ये देखिए बने हुए रखे हैं, और ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं रखने के बाद भी। मैं एक पराठा आपको ऐसे उठा के दिखाती हूँ हाथों में, ये देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।